फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल केबल एंड कनेक्टर फैब्रिकेशन बाय इनोवेटिव सिस्टम। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से केबल और कनेक्टर है। जो कनेक्टर आज मेरा है आरजी वो है लेमो कनेक्टर है और जो वायर है वो आरजी 174 है। किस तरह से लगाए जाते हैं आपको दिखाऊंगा मैं। इसके पहले मैं थोड़ा आपको वायर का और कनेक्टर का डिटेल बता देता हूँ। वायर आपको जो दिख रहा है ये आरजी 172, इसका जो डाया है 2 mm है। इनर इंसुलेशन का जो डाया है जिसमें मेश लगी हुई है ये है 1.4 mm। इस पर कॉपर का मेश, टिन मेश लगा हुआ है। आगे आप ये देख रहे हैं इंसुलेशन पोर्शन है। इंसुलेशन पोर्शन निकलेगा तो थोड़ा इसमें से कॉपर कंडक्टर्स बाहर आते हैं। ये देख रहे हैं कॉपर कंडक्टर्स, ये 7 कंडक्टर्स से आरजी 174 में से आए हैं, कॉपर कंडक्टर्स हैं। और इसका डाया है जो इनर इंसुलेशन का है 1 mm है। ये जो केबल है आरजी 174 50 ओम की केबल है, प्लस ये 1 MHz तक फ्रीक्वेंसी तक आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे मैंने रखा है ये कनेक्टर है, इसे कहते हैं लेमो कनेक्टर। इसके डिटेल्स में नया सा बने हुए हैं। ये सबसे छोटा लेमो कनेक्टर मैंने लिया और इसमें अलग अलग तरह के आते हैं, छोटा इससे बड़ा आता है। ये सिंगल पिन इसमें है, इसमें लगे किसी में 4 पिन भी होता है, 6 पिन भी होता है। इसका नंबर है FFA.00, इस कनेक्टर का नंबर है। इस कनेक्टर की टोटल जो लेंथ है 28 mm है। इसमें जो फ्रंट का ये जो बैक साइड की रिंग है जिस पर बैठती है, मैं आपको अलग करके दिखाता हूँ। इस पर ये जो बैक साइड की रिंग है इस तरह से इस पर स्क्रू से फिट की हुई है और ये फ्रंट पोर्शन है। तो यहाँ एक लॉकिंग है, ये कनेक्टर है जो लॉक हो जाता है इसके ऑपोजिट पार्ट में जाकर। और ये इसकी जो लेंथ है टोटल है 20 mm। हाँ, इसके अंदर के जो पार्ट्स है ये ग्राउंडिंग लीग है जिसके ऊपर शील्ड होल्ड होता है। इसके अंदर जो पिन है, इस पिन को ये ऊपर से एक कवर दिया हुआ है। इस तरह से पिन के ऊपर एक कवर बैठता है, इस तरह हो जाता है। तो ये है टोटल कंस्ट्रक्शन लेमो कनेक्टर का। मैं आपको दिखा दूँ कि ये आप देख रहे हो इसके अंदर लॉक दिए हुए हैं। इस तरह से जब प्रेस होता है तो फिट हो जाता है ऑपोजिट कनेक्टर में। तो आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये कनेक्टर बनाया जाता है। ये मेरी जो वायर मैंने ली हुई है करीब करीब 10 या 12 mm तक उसको मैं इंसुलेशन निकालूंगा इस वायर का। इंसुलेशन मेरा निकल चुका है वायर का। अब इसे मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। इनर कंडक्टर जो है, अंदर का मेश जिसे कहते हैं, थोड़ा इस पर कभी डस्ट होता है। ये देखिए जी इनर कंडक्टर आप देख रहे हैं कॉपर का है, इसको टिन किया हुआ है ये। अब मुझे क्या करना है कि जो इनर कंडक्टर थोड़ा पीछे लेना है, इनर मेश शील्ड है थोड़ा उसको पीछे लेना है और इस आगे के पोर्शन में मेरी पिन फिक्स हो जाएगी। अब इसको मैं थोड़ा कट करता हूँ, पूरे की तरह पूरे के पूरा मुझे नहीं चाहिए, ये कट किया मैंने इसे। अब मैंने आपको जो रिंग दिखाया था ग्राउंड रिंग जो इसके अंदर बैठ जाएगी, ग्राउंड रिंग मेरी मेश के ऊपर फिट हो चुकी है। अब मुझे लगानी इस पर पिन। तो पिन लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये आप देख रहे हैं इसके अंदर पिन फिट होती है। पिन इसके यहाँ से इस तरह से पिन फिट होती है इसके ऊपर। तो ये थोड़ा ज़्यादा इंसुलेशन निकल चुका है तो इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। इनर कंट्रोल थोड़ा ट्विस्ट कर लेते हैं ताकि ये वो हिले ना, तो अच्छी तरह से पिन में बैठ जाए। मेरे इनर कंट्रोल मैंने ट्विस्ट कर लिया, थोड़ा इसको टिन करने से कांटेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा सोल्डर करना। तो टिन हो चुका है मेरा इनर कंडक्टर। अब मुझे इसे इस पिन के अंदर बिठाना है।
थोड़ा सा इसका शोल्डर थोड़ा ज़्यादा लग चुका है, थोड़ा शोल्डर कम करना पड़ेगा। ये इस तरह से अंदर बैठेगा। पिन पिन के इस तरह से अंदर कंडक्टर बैठ चुका है। मुझे थोड़ा यहाँ सोल्डर करना पड़ेगा ताकि पिन और इंडेटर अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। मैंने इस थोड़ा बहुत ज़्यादा सोल्डर नहीं डालना है, वरना फिर ऊपर का उसका कवर बैठना मुश्किल हो जाएगा, कवर बैठेगा नहीं। अब मुझे रखना है इंसुलेशन इसके ऊपर, इस तरह से बैठ जाता है। टोटल असेंबली इस तरह से एक के पीछे एक परफेक्ट लग जाती है, इसके पीछे किसी तरह का गैप नहीं होना चाहिए। अब मुझे है कनेक्टर की फ्रंट साइड, ये बैक साइड है, इससे मैं इसको इस तरह अंदर फिक्स कर देता हूँ। और ये है मेरा बैक साइड का रिंग, स्क्रू जिसे कहते हैं। अब लेमो कनेक्टर मेरा बनकर रेडी हो गया है, यानी वायर RJ174 लेमो कनेक्टर को बैठ चुकी है। ये पिन आप देख रहे हैं, अंदर आइए, शायद दिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत अंदर पिन है। अब मुझे इसके चेक करना है, ठीक इसमें सिर्फ इसको जितना फिट करो उतना अच्छा है, फिट हो जाएगा, अच्छी तरह से बैठ जाएगी। अब मुझे इसे चेक करना है कंटिन्यूटी मीटर से। आप चाहिए तो मल्टीमीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोज कंटिन्यूटी मीटर अवेलेबल है, इससे मैं चेक करता हूँ कि मेरा कंटिन्यूटी मीटर है। अब इसकी जो बॉडी है, लेमो कनेक्टर की बॉडी और बैक साइड का जो शील्ड है, शील्ड, हाँ, इन दोनों के बीच में ये देखना है कंटिन्यूटी है या नहीं, यानी बैक साइड का मेश शील्ड और लेमो कनेक्टर की बॉडी ये बैठ चुके हैं। अब देखा है कि ये इनर कंडक्टर और पिन बैठे हैं या नहीं। जो इनर कंडक्टर है वो जो पिन है ये भी दोनों बैठ चुके हैं। अब देखना है कि इन दोनों के बीच में कोई कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, बॉडी और इनर कंडक्टर। इस तरह से मेरा लेमो कनेक्टर बन के रेडी हो चुका है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, और डिटेल आप जानना चाहते हैं हमारे इनोवेटिव सिस्टम के बारे में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल दिए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।